हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का समय है और मैं अभी सोकर उठकर आई थी, तो देखिए काफ़ी अच्छा दिन निकला हुआ है। आज थोड़ा लेट हो गई मैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। और अभी मैं धो रही थी मुंह और कर रही थी कुल्ला, तो फेस वॉश वगैरह तो मैं बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा कि मुँह धो लेती हूँ, कुल्ला कर लेती हूँ, और फिर मुझे गाय का दूध निकालना है। तो मम्मी ने उठकर ये 2 बाल्टी पानी भर कर रख दिया है, पशुओं को घास होना है सुबह में। तो अभी जो है मैं बस फिर बाल्टी ले रही हूँ दूध वाली, और मुझे अभी वो करना है, थोड़ा सा पानी ले लूँगी उसमें और फिर दूध निकालने के लिए जाना है। तो सुबह सुबह में देखिए आँख खुलनी भारी सी हो जाती है, कुछ तबीयत डाउन चल रही है, ये रीज़न है बस। मतलब रात में बहुत ज़्यादा हो रही है थकावट सी, उठने का मन नहीं था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई आज। तो अब मैं इस वाली बाल्टी में दूध निकालती हूँ। तो अभी है 2-3 बाल्टियों की समस्या है, तो जब कोई आएगा फिर से ख़रीदनी है प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह बर्तन के लिए, 1-2 बाल्टी और कपड़े धोने के लिए। तो ये नहाने की है, मैंने बिल्कुल अलग रखी हुई है। और यहाँ बुग्गी खड़ी थी, इस पर कल कुछ सामान आया था तो यहीं पर खड़ी हुई छोड़ दी। रात में कपड़े धोने के लिए लगी तो लाइट चली गई, फिर ये कपड़े टप में भरकर यहीं टेक दिए। तो अभी देखिए गायें जो है वो बाहर की साइड बंधी हुई थी, मैं अंदर की साइड बांध कर दूध निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं निकाला जाता है, ये ख़राब हो रहा है। तो देखिए सोच रही हूँ कि ये खड़ूंचा भी सही कर दें, एकदम तो नहीं पक्का नहीं बोलती, पर कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ की मैं कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। कुछ और भी कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत घर के हालात है उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाय अभी बांध दिया और इसे छोटी बच्चियों को भी छोड़ दूँगी मैं, और दूध को लेट हो गया था और ये छोटे वाली बच्चिया जो है वो बराबर राम रही थी और मेरी उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो देखिए यहाँ फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, बच्चिया मैंने चुंगा दी है, नैना नहीं बांधा था, नैना अब बाद में बांधूंगी। अगर मैं पहले नैना लगा देती हूँ तो गाय आगे पीछे होती रहती है बच्चिया की वजह से, तो बच्चिया मैं गाय के बराबर में ही बांध देती हूँ। सरिये निकले हुए हैं अंदर की साइड गोल, जिन्हें हमने मुड़वा कर रखा है, कड़े से बन रहे हैं, उसमें ही गाय बांध देती हूँ, यहीं उसके पास में बच्चिया बांध दी है मैंने। तो बस अभी उसके थन धो लूँगी और दूध निकाल लूँगी। वैसे तो वो पाँठ आती नहीं है, पर बच्चिया की वजह से आगे पीछे करती रहती है। और देखिए बच्चिया गाय को चाट रही थी, गाय बच्चिया को, तो दोनों माँ थी बिल्कुल एक ही जगह रखती है। बच्चिया जो है वो बिल्कुल भी गाय के से अलग नहीं बांधी जाती, क्योंकि गाय एकदम हरकत करने लगती है। तो बीच में मैं ट्राईपोड इधर उधर करने लग गई थी तो थोड़ा हटना पड़ा मुझे। तो अभी बस दूध निकल चुका है मेरा, मैं जो नैना है ये खोल दूँगी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की क्लिप जानबूझ कर शूट की है, थोड़ा नज़दीक से थोड़ा दूर से दूध निकालते हुए दिखाना चाहती हूँ किस तरह से नैना लगाते हैं और बच्चिया जो हम पास में ही बांधते हैं। तो अभी मैं जा रही थी बाहर की साइड, तो अभी मैं देखिए दूध निकाल लिया लेकर जा रही हूँ, और सामने बैठा हुआ है कायरा, वो अपनी अम्मा जी के पास। देखिए मॉर्निंग का समय है, कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी धूप निकली है अभी। वैसे बगड़ में इतनी दिखाई नहीं दे रही, कम दिखाई दे रही है, दीवार वगैरह पर दिखाई दे रही है। और सुबह सुबह की जो हवा होती है और सुबह सुबह की का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो अभी बहुत अच्छा मौसम था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, पर 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, शायद शाम तक दोपहर तक पूरी तेज़ गर्मी हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी खाना पीना सब इतना दिक्कत बन रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी में इतनी बुरी हालत है कि मतलब कायरू भी इतना परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो रोता रहता है, एक जगह नहीं बैठता है, पंखे में भी नहीं बैठ रहा है। तो अभी देखिए बच्चिया छुटी हुई थी, मैं उसे बांधने के लिए जा रही थी, और यहाँ कायरव के पापा ले रहे हैं कायरव को, वो अम्मा जी पर भी रो रहा था तो अभी उन्होंने उठाया था उसे गोद में। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ रूम में, और अभी मैंने देखिए गैस पर रख दिया चाय बनने के लिए,
तो कुछ लोग बोलेंगे गैस की क्या हालत हो रही है, तो देखिए अभी 2-3 दिन और मेरे घर की हालत ऐसी ही रहेगी। पूरे घर का सामान अलट पलट हुआ पड़ा है, तो बस सारे घर में फैल रहा है। जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्यों इधर उधर हो रहा है। तो अभी देखिए मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी है और अभी मैं इसमें चीनी डाल दी है, 2 मुट्ठे चीनी भी डाल दी है। तो देखिए ज़्यादा फीकी नहीं पी जाती हमसे, तो जैसे हम पीते हैं वैसी ही आप लोगों को दिखाई है और बताई है मैंने। तो देखिए मेरी चाय में उबाल आ चुका था, मैंने इसमें दूध डाल दिया है, तो इसमें भी खद्दा लग जाएगा, मैं इसे अच्छे से खदका लूँगी। तो देखिए इसमें खद्दा लगना शुरू हो गया है, तो मैं अच्छे से इसमें 3-4 बार उबाल दिलाऊँगी और थोड़ी सी देर के लिए गैस बंदी कर छोड़ दूँगी, वो अच्छे से उबल जाएगी। तो जब तक चाय अच्छे से पक ना जाए तब तक चाय का टेस्ट नहीं आता है, और काफ़ी खदका कर चाय पीने में कुछ मज़ा हो रही है। जितनी ज़्यादा खदकी हुई चाय है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए अब तो आप लोगों की दुआ से और भगवान की दुआ से दूध होने लगा है, तो इस वजह से मैं दूध थोड़ा फालतू ही डालती हूँ, पानी थोड़ा कम रखती हूँ, और अभी बस इसमें उबाल लग रहा है। चाय में खद्दा लग चुका था और अभी मैंने इन्हें कटोरे में डाल लिया है, राठी जी को दे दिया है और मम्मी जी को भी दे दिया है, तो इन दोनों को चाय दे दी है। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे बेड पर, तो देखिए सारे घर में बस ऐसा ही हो रहा है, तो मैं इन पर भी प्रेस नहीं कर रही हूँ। जैसे भी मैंने तय बनाकर रख रखे थे ये उल्टी सीधी, अब ऐसे ही रख दूँगी फ़िलहाल, बाद में करूँगी सबको सही, अभी टाइम नहीं है सब चीज़ें सिंगवाने का। तो जो इधर उधर फैले हुए हैं ये फालतू, इन पर धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे, गंदे ना हो, तो मैंने उठा कर रख रही थी, कुछ अब नहीं के थे। तय तो बना रखी थी पर यहाँ कायरू खेल रहा था, उसने सबकी तय बिगाड़ दी, पर फिलहाल ठीक से कर मैंने अलमारियों में रख दूँगी और सब बाद में ही सिंगवाऊँगी। अभी कुछ भी नहीं सिंगवाया जा रहा है, बस ऐसे ही फैला उला पड़ा है, तो उसके बाद अभी मैंने यहाँ सेफ में रख दूँगी। अभी उसके बाद मैं निकाल रही थी यहाँ चूल्हे की राख, तो देखिए मैं यहाँ चूल्हा साफ़ करने के लिए आई थी, तो यहाँ पर इसमें राख हो रही थी, तो मैं ये ढक्कन ले रही थी इसमें निकाल ली मैंने। तो अभी जो कूड़ा उठाने का होता है वो लाना पड़ेगा मुझे, तो वो जो है वो टूट गया था मेरा पहला जो मैं लाई थी, तो अभी ये चूल्हे की राख निकाल रही थी मैं। उसके बाद मुझे इसे इसमें थोड़ी सी लगानी है, तो पहले मैं सारी राख उठा लूँगी और फिर उसके बाद जो बचा हुआ कूड़ा है उसे झाड़ू से इकट्ठा कर लूँगी। अभी उसके बाद मैं इसमें लगा लेती हूँ गारा, तो देखिए जो मैंने गारा है वो कुछ पहले भी कर रख दिया था, तो जगह जगह से अंदर से फूट रहा है, इसे सही कर लेते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि फोड़ के बनाऊं, पर अभी टाइम नहीं है फोड़ के बनाने का, दूसरा चूल्हा बना रही हूँ मैं। एक दूसरे चूल्हे के लिए पटड़ी बनाई थी मैंने, वो आप लोगों को दिखाई थी, वो सूख चुकी है, उस पर कल वाली वीडियो में मिट्टी लगानी है, अगर टाइम लगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, मतलब चूल्हा बनाने की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी ये जहाँ जहाँ से फूट रहा था वहाँ मैं इसमें मिट्टी लगा रही थी, तो मैंने इसमें घुसनी रलाया और एक ही चिपक रही थी मेरे हाथों पर बार बार, तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी का यूज़ करना पड़ा और अच्छे से मैं ये मिट्टी लगा दूँगी, इसे सेट कर दूँगी। जब जगह जगह से चूल्हा फूट जाता है अंदर से बहुत गंदा लगता है, मिट्टी उतर जाती है, ख़राब लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा जब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसमें तो थोड़ी मिट्टी लगा कर ही सेट कर देते हैं, उससे ये जो इसके ऐब हैं ये गंदे लग रहे हैं ये दब जाएंगे, ज़्यादा मिट्टी इधर से पट रही है कहीं से नहीं पट रही है, ये सब चीज़ें ठीक कर देती हूँ। अभी इसे लीपूंगी नहीं, बस मिट्टी लगा कर छोड़ दूँगी, जब सूख जाएगा तभी मैं इसे लीपूंगी। तो थोड़ा सा ऊपर से भी किनोर है, मैं भी ठीक कर रही थी। तो देखिए अभी उसके बाद ये मैं कहाँ पहुँची हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन बना रहा है वीडियो, ये मैं बना रही हूँ। तो सुबह सुबह में मैं देखिए कहाँ गई हूँ, इतनी सुबह सुबह घर से निकल कर यहाँ मैं क्या करने के लिए आ गई हूँ, ये खड़ा है मेरे जेठ का लड़का और ये अपने भाई छोटे भाई कायरव को ले रहा है,
तो देखिए यहाँ सभी पर सभी ने मास्क बांध कर रखे हुए हैं, तो किसी ने साफा, किसी ने रुमाल। तो अच्छी बात है, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो देखिए जो दुकान है, मैं यहाँ पर आई थी तो मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वो कुछ चीज़ें लेने के लिए आए थे। तो घर में कुछ अलग सा करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी सारे सामान हैं यहाँ पर फर्नीचर के। तो देखिए यहाँ पर ये कलर के डिब्बे वगैरह, कील, मूसला, मतलब छोटे छोटे फर्नीचर के जितने भी छोटे बड़े सामान हैं वो सब मिलते हैं। बहुत अच्छी दुकान है और काफ़ी अच्छे दाम में मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आए हुए थे तो पहले चेक कर रहे थे कि देख रहे थे कि क्या ठीक है क्या नहीं है, मतलब क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। और मतलब अभी तो बस बातें ही चल रही थी, उसके बाद ही लेंगे। और कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, और कभी अभी कुछ और चीज़ें बाकी थी जो अभी हमें ख़रीदनी थी। तो सुबह सुबह में निकल आए हम, क्योंकि मार्केट फिर बंद हो जाती है, वैसे लॉकडाउन में ढील चल रही है अब, तो फिर भी जल्दी में आ गए। तो ये देखिए लकड़ी के जो प्लाई होती हैं वे हैं, और ये ऊपर जो उन पर प्लाई लगाई जाती हैं वे हैं। तो कुछ इधर भी हैं, तो काफ़ी अच्छी दुकान है इनकी, दो तीन दुकान है जिनमें सामान रखे हुए हैं, और सामान भी बहुत अच्छे रेट पर और अच्छा है। लकड़ी भी काफ़ी अच्छी, लकड़ी के काफ़ी अच्छे क्वाड है, मतलब जो प्लाई वगैरह के बनाए जाते हैं, मतलब सारा सामान सुविधा का जो हमें अपने क्वाड वगैरह खिड़की लगाने के लिए चाहिए। तो श्री गणपति लाइफ व्यूज स्टोर के नाम से है ये, बहुत अच्छी दुकान है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जो आसपास के लोग हैं, अगर उन्हें फर्नीचर का कोई सामान लेना है तो वे ले सकते हैं। तो अभी उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर सड़क का भी शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं, बाकी दुकानें बंद हैं अभी। इतनी ज़्यादा ढील तो नहीं है, फिर भी थोड़ी ढील है। और यहाँ देखिए मैं भी मास्क लगा कर आई हुई थी, मैं भी कुछ घर का राशन ख़त्म हो रहा था वो लेने के लिए इनके साथ आई हुई थी। और यहाँ कायर रोने लगा तो उसके भैया ने मुझे दे दिया। हम ट्रैक्टर लेकर आए थे घर का कुछ फर्नीचर का सामान वगैरह लेने के लिए आए थे। तो जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या काम करा रही हूँ घर में, जो हम सब लोग ट्रैक्टर लेकर आए थे। तो ये राठी जी हैं और ये भैया हैं जो मतलब घर में काम करेंगे वे हैं ये, वो सामान लिवाने के लिए आए थे। उन्हें पता था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अभी बस हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, तो मैं इनके साथ जाऊंगी। कुछ घर का राशन ख़त्म हुआ था, ये बोल रहे थे कि तुम घर का सामान ले लो और हम ये फर्नीचर वगैरह का ले लेते हैं। तो अभी हम सब लोग घर के लिए निकल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जब जा ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं क्या ला रही हूँ, क्या करने गई थी इतनी सुबह सुबह में। तो सुबह हम 6 बजे निकल लिए थे घर से। तो देखिए चल रही है वैसे, मतलब सभी लोग चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, पर फिर भी एक दूसरे से टच होने से भी डर लग रहा है कहीं किसी को हो ना जाए। वैसे इधर है ना शांति बनी हुई है, इधर किसी को नहीं है, बस मुजफ्फरनगर ज़िले में ही 4-5 मिले थे, इधर नहीं है। एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लोग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो आज मेरी ये सुसापन मत जाइए कैसी हो रही है, पिंपल्स निकल आए हैं 2-3 और हालत इतनी ख़राब है, घर में काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो मेरा टाइम नहीं मेकअप सेकअप करने का, बिंदी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जैसी भी वेशभूषा हूँ ऐसी में ही एंड कर दिया है। कुछ लोग बोलेंगे कि हालत बना रखी, तो पता नहीं क्या होगा, पिंपल्स निकलते जा रहे हैं। तो देखिए आज मैं सुबह सुबह मैं निकल गई घर से, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी जो मैं इतनी सुबह निकली। तो घर का कुछ फर्नीचर का सामान लाए हैं जो मैं कुछ करवाने के लिए सोच रही हूँ घर में, आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने क्या बदलाव किया है। तो इस वजह से सुबह 6 बजे में निकल गए हम, और करीबन 9:30 बजे तक आए हैं। काफ़ी सारा सामान ख़रीदा तो टाइम लगा, पैसे वगैरह निकाले तो इसलिए लेट हो गए। तो फिर आकर खाना वाना बनाया, तो फिर कल से और भी ज़्यादा तबीयत डाउन सी हो गई, तो बस काम में लगी हुई थी। जैसे भी हुआ आप लोगों के साथ जैसी भी आज वीडियो हो, अच्छी बुरी जैसी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मतलब बस यही दिखाती है, अलग सा नहीं दिखाती है। तो देखिए हर चीज़ के लिए टाइम होता है, टाइम चाहिए मुझे, सब कुछ हो जाएगा। अभी थोड़ा बच्चे का साथ है, और फिर दूसरी बात है, अच्छी बात है आप लोग देखते हो, मुझे राय दे रहे हो, वो भी अच्छा है। कुछ चीज़ें आप लोग बोलते हो कि आप नहीं करते हो हमारे कहने से भी, खड़ोंचे को लेकर उनको आप नहीं बदल रहे हो, हम देखने के आने ही आते हैं, बदलूँगी, मैंने आप लोगों से बोला था टाइम लगेगा, मैं सब कुछ बदलने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से लोग के साथ। एक बेबी का आज बर्थडे है, पूजा नाम है उसका, हैप्पी बर्थडे बेटे, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह हर साल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें, अपने बड़े बड़ों का आशीर्वाद लें, और बड़ों के बड़ों
बाबा दादी और मम्मी पापा सभी को जन्मदिन सभी के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।